चलिए जी, कौन बताएगा अपने मन से, बोलो, याद हुआ है? हैं, क्या चीज? ग्रुप नहीं बना है, क्यों? तुमको तो ढेर दिन से बोल रहे हैं, बनाने क्या नहीं आता है तुमको, तो भी बोले हैं कि वीडियो यूट्यूब पर भी है, वहाँ से भी देख सकते हो, हैं? पढ़ाएं तो उन्हें दिमाग में गया, तो फिर पढ़े तो सामने, याद हुआ है? खड़ा हो, क्या है ग्रामर? क्या है ग्रामर? और तेज बोलो, ग्रामर हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध। कौन चीज शुद्ध शुद्ध लिखना? फारसी लिखोगी या अंग्रेजी लिखोगी? तो अंग्रेजी बोलोगे ना, कि जो हमें अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सिखाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ABCD को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर को लेटर से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? और वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। बैठो, तू बता रे, ग्रामर का डेफिनेशन दो अंग्रेजी में। नहीं याद है, शुरुआत कर दियो आज पिटले, पूछ ना कल से सबको, हमको बहाना मत बनाना, एकदम कल पिटबो तय हो, और नहीं पीटेंगे तो फिर जिंदगी में नहीं सीखोगे, भोम बकाल राजमी। फिर हम 50 बार मेहनत कायल करेंगे एक चीज़ में, हमें तुम लोग मेहनत करे तैयार नहीं रहेगा तो हम झूठो न भूखते रहेंगे। लोग राना है भोम, रहो भोम, बैठो। तो बताओ जी, क्या है, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ वे ऑफ साइंस हू लर्न्स हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। करेक्टली। ABCD को क्या कहते हैं? लेटर। लेटर को लेटर से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? word. और वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं तो सेंटेंस। टोटल वर्ड को कितने भागों में बांटा गया? टोटल वर्ड को 8 भागों में बांटा गया। उसको क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवा कंजंक्शन, आठवा इंटरजेक्शन। ठीक है, तू बता रे, कर ला। ग्रामर किसको कहते हैं? व्याकरण को ग्रामर कहते हो, तो हिंदी हो गया। उसकी परिभाषा क्या है? हाँ, हिंदी अंग्रेजी में सब याद रखना है, हिंदी में बताओ आज। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाता तो शुद्ध शुद्ध कुछ ही लिखेगा। अरे शुद्ध शुद्ध क्या लिखोगे? अरबी लिखोगे, हिंदी लिखोगे, उर्दू लिखोगे, अंग्रेजी लिखोगे, हिंदी लिखोगे। ग्रामर हिंदी है, इंग्लिश ना बोलोगे। ABCD को क्या कहते हैं? वर्ड। ABCD वर्ड है। ला डंटवा रे जरा, ओजे ओजे ओजे, ला डंटवा। इस सब आज शुरुआत कर देते हैं हम। ABCD वर्ड है जी, हैं? और लेटर को लेटर से जोड़ते हैं क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? टोटल वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया? आठों के नाम बताओ। तू बताओ रे, क्या है ग्रामर? ग्रामर, हाँ, जो हमें इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना सिखाता है उसे ग्रामर। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड, वर्ड का परिभाषा लिखा है ना? हाँ। क्या है वर्ड? हिंदी में इंग्लिश बताओ, हिंदी में बताओ। लेटर को जोड़ते हैं तो लेटर को जो एक दो तीन अक्षर में जोड़ते हैं तो संभव। ऐसी बताए रे, हैं ऐसी बताए हैं। बैठो, क्या है वर्ड जी? वर्ड क्या है? कुछ नहीं, खाली आएगा और जाएगा, आएगा जाए वाला बड़ी मारेंगे। तू याद किया रे? कल ना आया था, कहना आया था, गायब कह रहा था, गायब कह रहा था। तार है, जा रहा है।
ठीक है, पूछेंगे बाद में, अब पढ़ाना भी तो है। चलिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे कहाँ तक, हम लोग सबसे सुन लो ध्यान से, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे कल, सब एक बता दे रहे हैं। कल हम लोग पढ़े ग्रामर, जो अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामर इज ए वे हु लर्न्स अस हाउ टू स्पीक राइट इंग्लिश करेक्टली। फिर हम लोग पढ़े क्या, ABCD। ABCD को क्या कहते हैं? लेटर, है ना। लेटर्स को दो भागों में बांटे, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट, कैपिटल एंड स्मॉल, नहीं? फिर लेटर्स को जब लेटर्स से जोड़ते हैं तब हमारा बनता है वर्ड। एक लेटर को जब दूसरे तीसरे लेटर के साथ जोड़ते हैं तब हमारा वर्ड तैयार होता है, नहीं तैयार होता है? और जब वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ते हैं तब हमारा क्या तैयार होता है? सेंटेंस तैयार होता है, होता है। और जितने भी वर्ड्स हैं उसे हम कितने भागों में बांटे हैं? 8 भागों में। और आठों का नाम, आठों को हम मिलाकर कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं कहते हैं? और उसमें सबसे पहला हमारा क्या है? नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में भैया? नाउन के बारे में। तो नाउन किसको कहते हैं, इस बात को देखिए। एक बार में याद होगा जो आदमी ध्यान से अगर सुनेगा, और एक भी गप हुआ तो दुखहरनी माय रखल हो तुरंत पीट दबो। इसको बोलते हैं दुखहरनी माय, नहीं बोलते हैं सभी दुखों को हरने वाली दुखहरनी माय होगी, ठीक है? आइए, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आवाज नहीं आया, आया। चलिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। एगो कहता है कि कुछ नउआ के घर वाली के नाउन कहते हैं, नहीं को नौनिया कौन गवा में नौनिया को ला लीजिए नुहा टुंगवाना है तो बचपन में कॉमेडी होता था तो पूछा नाउन किसे कहते हैं, तो सर नउआ घर वाली के नाउन कहते हैं। ऐसा बात नहीं है, चलिए आइए। तो संज्ञा हमारा जो है, जितने भी इस दुनिया में नाम हैं, जितने भी नाम हैं उन सारे को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में जितना नाम है, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम माइक, जो पहने इसका नाम शर्ट, इसका नाम बाल, इसका नाम, इसका नाम, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, पटना, राज्य का नाम, देश का नाम, आपके गांव के बगल में नदी का नाम, नाटी नदी, बघेली नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, है ना भाई की नदी नाम, आपका भाई का नाम, सुन लो, जिस पर बैठे हो उसका क्या नाम है, जिस पर कॉपी रखे हो उसका क्या नाम है, और जो कॉपी उपी है वो भी तो उस नाम है ना जी, जिस पर लिखते हो वो क्या है, इससे हवा खा रहे हैं, हवा मिल रहा है हमको, तो इसका नाम क्या है, फैन, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल क्या है, नाम है। तो जितना भी नाम है, अगर कोई नाम है तो वो क्या है, तो एक लाइन की परिभाषा हमारी होगी बड़ा आसान से, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या होगा जी? अ नाउन इज ए नेमिंग, नाम है जो क्या है। या अगर हम दूसरा बात बोले दूसरे तरह से तो हम कहेंगे ऑल नेम्स, जितने भी नाम हैं आर वो क्या कहलाते हैं, नाउन्स। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। कोई दिक्कत क्या नहीं। पीछे देख रहे हो, देख रहे हो, देखो दोनों, अयो रे कितनो बोल दो ना, कुछ विद्यार्थी अपना आदत से लत खोल रहेगा। तो जितना भी नाम है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अच्छा, हम लोग जो ग्रामर में परिभाषा पढ़े हैं उसमें परिभाषा में देखिए वो भी परिभाषा लिख देते हैं, ए नाउन या अनाउन इज अ नेम ऑफ
यही ना लिखा हुआ है जी, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग इटीसी, क्या किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को। तो जानवर का नाम गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, जिराफ, बाघ, शेर, सब जानवर। और अगर हम बात करते आदमी का, राम, श्याम, सोहन, मोहन, सब क्या है, आदमी का नाम हो गया, सीता गीता हो गया, जानवर भी हो ही गया, वस्तु में हो गया, कॉपी, कलम, किताब, कुर्सी, टेबुल, बेंच, ये वस्तु का नाम हो गया। तो जो अगर नाम है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। तो अगर हमको इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे भैया, एगो नाम लिख लो आदमी का तो राम लिख लेंगे, तो जितना लड़का का नाम हो गया, लड़की का भी एगो नाम लिख लो सीता, एगो जानवर का नाम लिख लो भाई, एगो जगह का नाम, जैसे हमारा घर कौआ कोल है, आपका घर भी कहीं होगा तो वो भी क्या है, नाउन है। एगो जानवर हो गया वस्तु, वस्तु में हम ले लेते हैं चेयर, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। फिर से अनाउन इज अनाउन इज अनाउन इज अनाउन इज ऑल नेम्स आर, ऑल नेम्स आर, ऑल नेम्स आर। उसको मारेंगे चप्पल वाग खोल के, समझ नहीं रहे कभी ना, दोनों बोल रहे हैं, बोलता है तुम, आया आया बैठ के अब नहीं बोलने, फेंक के मारो ये समय, जो नहीं बोलेगा उसको याद न होगा, हम लोग करे जब फटो है बोले, मैं सर नहीं कि नहीं फटो है। तो नाम, ऑल नेम्स आर क्या हो गया, नाउन। अब देखिए तो नाउन की परिभाषा हम सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, कि जो नाम है वो, जो नाम है वो। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ नाउन, बात समझिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन के प्रकार, तो नाउन कई प्रकार का, कई प्रकार का, तो लिखेंगे देयर आर फाइव काइंड्स, नहीं लिखेंगे, फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार, नाउन के कितने प्रकार, नाउन के कितने प्रकार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ। तो दिक्कत, अब देखिए सबसे पहला हमारा जो है उसका नाम देखिए क्या है, सबसे पहला जो नाम है उसका नाम है भैया प्रॉपर नाउन। क्या नाम है जी? अब देखिए प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, ध्यान से, प्रॉपर जातिवाचक बोलते रहे मारियों ने, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, को दिक्कत क्या नहीं। अब याद रखने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, तो एक ऐसा नाम, ऐसे याद रखिएगा, जो दुनिया में एक एक है, ये है बिल्कुल खास नाम है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इट डिनोट्स, या बोध कराता है, किसका बोध कराता है, अ पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास नाम, पार्टिकुलर नेम, तो जो खास नाम का बोध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। या अगर हम बोले जो दुनिया में एगो, दुनिया में कैगो, पूरे वर्ल्ड में वो एक एगो हो ये सकता है, जो नाम दुनिया में एगो रहेगा, दोनों मारबो दोनों एगरो एगरो अगुआ बैठ के, तो झलक तो जो दुनिया में कई नाम रहेगा एगो, उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रॉपर। अब बताइए कि आपका गांव या मेरा गांव का नाम है कौआ कोल, ठीक है, दे दिया आपको, पूरे वर्ल्ड में जाइए, पूरे दुनिया में जाइए, हमारे कौआ कोल जैसा कोई दूसरा कौआ कोल होगा, नहीं होगा क्या, नहीं।
आपका गांव बड़राजी कोलुआवर सलैया भोरमबाग कहीं होगा, इस पूरे दुनिया में चले जाओ, क्या भोरमबाग तुम्हारा जो गांव है, सलैया कोलुआवर जो तुम्हारा गांव है, हो सकता है नाम मैच कर जाए, लेकिन जो यहां बातें हैं, जो यहां स्थिति है, क्या वो सेम चीज वहां मिलेगा? हूँ बहू इस गांव के लोग वहां मिलेंगे? नहीं। इस गांव का नाम दुनिया में क्या है? एगो है। भारत अगर पूरे दुनिया में खोजेंगे तो कई गो मिलेगा? चलो आपका नाम मान लिया जाता है राम है, तो कहिएगा सर राम तो ढेरे है, चलो मेरा नाम है प्रेम, तो मेरे जैसा इस दुनिया में एगो खोज के दिखा दो पूरे दुनिया में, तो मेरा नाम क्या है खास रे जी? हमारे जैसा है कोई पूरे दुनिया में? आपके जैसा कोई होगा पूरे दुनिया में? किसी के जैसा हूबहू पूरे दुनिया में होगा? तो आपका नाम एक खास नाम है, आपका नाम एक प्रॉपर नाउन है, गंगा पूरे नदियों में एक खास नाम है, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं होगी, गंगा अपने आप में क्या है खास है। इस पूरे दुनिया में अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय एक ही गो है, तो हिमालय हमारा क्या है खास नाम है, तो जो दुनिया में एक गो है उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत नहीं। नाउन ऑल नेम्स आर नाउन। ऑल नेम्स आर नाउन। मुंह खुल दो रे, देखो ये तब मुंह खोले उस सब मेढक है, बरसात में खाली मुंह खोलते हैं। मेरा बरसात थोड़ी है ले भी। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा हमारा प्रकार जो है, दूसरा प्रकार का नाम है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या है भैया? तो कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। जातिवाचक मतलब ये किसी जाति का बोध कराता है, एक पर किसी खास किसी जाति सूचक शब्दों का बोध कराता है, यानी अगर लगे अगर हम बात बोले एक जैसा ढेर सारा, एक जैसा बहुत हो, तो अगर ऐसा नाम है या ऐसा कोई नाम बोले लेकिन वो देख रहे हैं कि ओकरे नियर एक नियर एकदम ढेरे है, मैंने सेम टाइप का, तो उसी को बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें उदाहरण में, तो आप देखिएगा उदाहरण, हम बोले गाय, भाई दुनिया में कितना गाय है सभे है। हम बोल दिए चेयर, ये चेयर वन ईयर एक लाख चेयर होगा नहीं होगा। बेंच, ये दुनिया में क्या है ढेर सारा बेंच एक नियर है। लड़का, तो लड़का तो सभी लड़के है, तो सब क्या हो गया कॉमन नाउन, लड़की सब क्या हो गई कॉमन नाउन, लेकिन बोल दिया रे रोहित ने आ रे, तो रोहित क्या हो गया खास नाम, रोहित मतलब एगो, रोहित का मतलब सभी क्या हो जाएगा? अरे लड़का लोग बैठ जाओ जी, मतलब सब बैठ जाओ, बहुत सारा जितना हो सब बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, अरे लड़की जी खड़ा हो जाओ जी, तो क्या हो गया सब खड़ा हो जाए, एगो खड़ा होते हैं, जब ये बोले अरे तू खड़ा हो सोनी मोनी टोनी क्या, तब नहीं वो खड़ा होगी, ऐसे कोई खड़ा होगी नहीं। तो एक जैसा जब बहुत सारा रहेगा तो उसको हम कहते हैं क्या कॉमन। हम बोले नदी, एक वो नदी है ढेर नदी, लेकिन बोले गंगा तो एक वो है, तो जब एक वो की बात करेंगे तो हो गया प्रॉपर नाउन, जब बहुत सारे की बात करेंगे तो हो जाएगा तो दिक्कत, बोलिए, तो इसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। तीसरा आइए, तीसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है जी? कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है जी? समूहवाचक। आई जानते किसका बोध कराता है? ग्रुप का। किसका बोध कराता है? मैंने एकदम ग्रुप वाला बातें बोलबे करेगा, बोला रे हम जो है ना हमारा टीम है, तो टीम क्या है एक आदमी से है। अगर अगर हम नाम ले और नाम से ये लगे कि उस नाम में एक ग्रुप है, एक क्या है ग्रुप है, तो समझ जाइए वो कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? तो टीम तो ग्रुप है ना भैया, 10-12 आदमी का। अगर हम बोले फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, गाय का झुंड बकरी का झुंड क्या अकेले है? नहीं। तो एवं टीम नियर बना के चल रहा है। अगर हम बोल देंगे बैंड पार्टी, बैंड वाला, तो बैंड अकेले आता है, एगो ढोल पीटे वाला आएगा, एगो नगाड़ा पीटे वाला आएगा, एगो बेंजू बेजबे वाला आएगा, पूरा ओकर आएगा ना आएगा, पूरा टीम आता है उसका। तो जो टीम वर्क, जैसे हम बोल दिए क्लास, तो क्लास में अकेले कोई रहता है? क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तुम्हारा ग्रुप है किसका? स्टूडेंट्स का। भीड़ बोल दिए, क्या भीड़ में एक आदमी रहता है?
भीड़ में ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जहां ग्रुप की बात हो बोले हम नाम, लेकिन एगो ना है हम ढेरे हैं, भीड़ बोल दिए, भीड़ छोटा शब्द है, लेकिन भीड़ मतलब अरे बहुत आदमी होगा, टीम मतलब 11 गो प्लेयर होगा, माइंड मतलब 5-6 गो जरूर आएगा, नहीं आएगा मतलब ग्रुप की बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आइए चौथा, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, क्या बोलते हैं जी? और मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब हो गया जिसको हम मेजर करते हैं, क्या करते हैं? मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना। जिसको हम मापते हैं उसी को कहते हैं क्या? मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? नॉट काउंटेबल या नॉट काउंट, लेकिन हम उसको गिन। नापना मतलब हो गया, इसको तोलना भी कह सकते हैं, 1 किलो 2 किलो, 1 लीटर 2 लीटर, 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर माप रहे हैं ना भाई, 1 बोरा 2 बोरा, उसको माप रहे हैं या तो तोल रहे हैं, गिन। तो जिस वस्तु को गिन नहीं सकते हैं, तेल को कोई गिनिएगा? पानी को कोई गिनिएगा? गिनिएगा जी? बालू को कोई गिनिएगा? चावल को कोई गिनिएगा? गेहूं को कोई गिनिएगा? तो गिनने वाला जो चीज नहीं, जो गिनने वाला चीज नहीं है, जिसको हम तौलते हैं या तो मापते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे हम मनी की बात करेंगे तो मनी को गिनेंगे नहीं, मनी मटेरियल नाउन होता है। लेकिन अगर तुमको कोई कह दिया रुपया, क्या कर दिया? रुपया, तो रुपया मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है? इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे अगर हम अभी कॉमन नाउन पढ़े तो बॉय पढ़े कॉमन नाउन, उसमें यस जोड़ दीजिएगा तो क्या बन गया? बॉय। लेकिन अगर ऑयल में यस जोड़िएगा तो क्या ये बनेगा? बनेगा? बहुवचन बनवे नहीं करेगा, इसको बहुवचन कभी नहीं बनाना। कभी भी मटेरियल नाउन को बहुवचन नहीं बनाया जाता। 5 गिलास काहन पानी मांगेगा? वाटर कहलाएगा। 20 ट्रैक्टर काहन बालू रहेगा? क्या कहलाएगा? सैंड ही कहलाएगा। कितनों तेल ले लीजिएगा है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका ऑयल ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ऑयल्स कह देंगे, हम लड़का बोल रहे तो बॉय, लड़के बोल रहे तो बॉयज, उसमें हो सकता है, लेकिन इसको बहुवचन नहीं बनाते, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी मटेरियल नाउन को बहुवचन नहीं बनाया जाता, ठीक है? अब आइए, तो ये हो गया चौथा। पांचवा आइए जो अंतिम हमारा है आज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम है जी? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? भाववाचक। तो भाववाचक भैया, इसको हम सिर्फ फील करते हैं, क्या करते हैं? फील। इट कैन बी फील, इसे महसूस किया जा सकता है, नॉट सीन, इसे देखा नहीं जाता है। जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्यार को कोई देखता है क्या? ईमानदारी कोई देख पाएगा क्या? बचपन को कोई देखता है क्या? है ना, लड्डू मीठा है कि तीता है कोई देखेगा क्या? तो स्वीटनेस है ना, मृत्यु को कोई देख सकता है क्या? तो जो दिखाई ना दे वो महसूस हो, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हमको किसी से प्रेम है या माँ को अपने बेटे से प्रेम है, तो प्रेम दिखाई नहीं देता है, जब उसके प्रति लगाव हम देखते हैं, उसको दुलारते हुए देखते हैं, जैसे ककरो गोदिया ज़्यादा ले बुतरुआ ककरो नहीं ले, तो बुतरुआ कहा हमारा गोदिया ले हमारा नहीं ले, वोरा समझ में आ जा बुतरुआ बहुत ज़्यादा प्रेम करो हमारे भैया हमारा से नहीं करो है, तो प्रेम दिखाई नहीं देता है, बल्कि महसूस हो जाता है कि वो हमको नहीं मान रहा है, हम उसको क्या कर रहा है, ज़्यादा मान रहा है। दूसरा ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई किसी को देख कर बताया जा सकता है कि कौन ईमानदार है, महसूस होता है, तुम्हारा पैसा गिर गया उठा कर दे दिया तो कहते नहीं हो ईमानदार आदमी है, तो महसूस करने वाला चीज़ है। चाइल्डहुड बचपन महसूस करने का चीज़ है, आप अपना बचपन अपने कैसे याद रख, उतना याद रख पाइएगा? नहीं याद रख पाइएगा। स्वीटनेस, जैसे वो लड्डू है, आई लड्डू को दे दिए तुमको, कहेंगे खाओ, तो तुम क्या बता दोगे कि मीठा है कि तीता है? आए खाते हो, अरे बड़ी मिठाई हो, तो वो जो मिठास, इसको बोलते हैं मिठास, क्या बोलते हैं? तो क्या ये मिठास हमको देखने को मिलता है? देखने को मिलता है, वो खाते हैं तब पता चलता है, सब्जियाँ बड़ी तीता बना दे खाए तब पता चलो है, नहीं पता चलो है, तो उसको बोलते हैं हम क्या चीज़? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मृत्यु पता नहीं चलता है,
अच्छा चलो, मखिया डिस्टर्ब कर रहा है ना, कोई बात नहीं। तो मृत्यु भी दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे नब्ज डॉक्टर साहब देखकर बताते हैं कि जिंदा है कि मर गया, आला उला हार्ट टूट चेक कर लिया, तो इसको बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ग्रामर साथ में बोलिएगा, ग्रामर इज अ वे, सब कोई बोलेगा, फिर से बोल रहे, ग्रामर इज अ वे हु लर्न्स अस हाउ टू स्पीक राइट इंग्लिश करेक्टली। ए बी सी डी को क्या कहते हैं? लेटर को कितने भागों में बांटे हैं? पहला का नाम क्या है? कैपिटल। दूसरा का नाम है? लेटर को लेटर से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? टोटल वर्ड्स को कितने भागों में बांटे हैं? उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ। सबसे पहला हमारा अनाउन इज अ, अनाउन इज अ, अनाउन इज अ, ऑल नेम्स आर, ऑल नेम्स आर, नाउन के कितने प्रकार? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कितना प्रकार है? पहला हमारा प्रॉपर नाउन, पहला हमारा जो दुनिया में, जो दुनिया में, दूसरा हमारा, दूसरा हमारा एक जैसा, एक जैसा, तीसरा हमारा, तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन जो रहता हमेशा ग्रुप में, जो रहता हमेशा, चौथा हमारा जिसको नापते हैं नहीं तो, नापते हैं नहीं तो, अब पांचवा हमारा जो दिखाई गलती से, कोई दिक्कत याद रहेगा शनिवार को इसका, क्योंकि हफ्ता का दो दिन क्लास आज हो गया और एक टॉपिक समाप्त हो गया। नाउन को अब जाकर घर में बनाइएगा कि आपको बनाने के लिए देगा, ठीक है, चेक कीजिएगा अपने से ग्रामर में और बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो सैटरडे को हम देख लेंगे, और सैटरडे को नाउन का टेस्ट रहेगा, ठीक है, मौखिक और लिखित दोनों रहेगा। बात समझ में आया? हाँ। कौन नाउन कौन दे देंगे आपको कि नाउन के इसमें छाटिए, कॉमन है, कलेक्टिव है, क्या है, उसको आपको छाट के आपको बताना है कि कौन कौन नाउन है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए।